ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਗੇ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਜ ਨਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ उसने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों से अदालत च आत्मसमर्पण किया सी उदों तो वह न्यायिक हिरासत विच ने ए पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही भी की जा सकती है इस दौरान सूबे च नवे बने मुख्यमंत्री भगवंत मान की आप सरकार ने इस केस के उत्ते जांच करने वाली विशेष जांच टीम SIT नू बदल दिता है सुनवाई दौरान नवी टीम मजीठिया तो पुछगिछ लई रिमांड की मंग कर सकती है दरअसल SIT के पुराने इंचार्ज से गंभीर दोष लगाए गए सन सरकार ने AIG बलराज सिंह की थां AIG गुरशरण सिंह संधु की निगरानी हेठ 4 मैंबरी टीम बनाई है जिथे AIG राहुल ते अगवाई हेठ AIG रणजीत सिंह ढिल्लो रघबीर सिंह DSP ते मनप्रीत सिंह DSP की टीम बनाई है बलराज के दोस्त सन कि मजीठिया विरुद्ध केस दर्ज होंदे ही उसके पुत्र प्रिंसप्रीत सिंह नूं तरक्की दे दित्ती गई इस तों इलावा अकाली दल ने उन्हां दे तबादले दी भावना तहत काम करन दे दोष भी लाए इस बार बिक्रम मजीठिया ने अमृतसर पूर्वी तो पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू खिलाफ चोण लड़ी सी इह जिक्रयोग है कि मजीठिया सिर्फ 500 वोटां तों पिछे रह गए सन जिथे सिद्धू ते मजीठे विच काले मुकाबले होना सी ते उत्थे आम आदमी पार्टी जीवनजोत कौर ने इतनी थां लै लई तुहानू दस दईए कि बिक्रम मजीठिया नूं लगभग 1 महीना हो गया पटियाला जेल दे अंदर न्यायिक हिरासत च रह रहे ने ते जद उहनां ते मामला दर्ज होया सी उस मौके उहनां ते NDPS धारा दे अधीन मामला दर्ज कीता गया ते अज बिक्रम सिंह मजीठिया की सुनवाई है पहला उन्हां वल्लों 14 फरवरी नूं आत्मसमर्पण किया गया SIT के हवाले उन्हें खुद किया गया हूँ SIT की टीम बदल गई है तो हो सकता है ये नवी SIT की टीम रिमांड लई होर समा मंगे तो हुण देखना यह होगा कि कुछ सुनवाई यानी कि कुछ फैसला आता है मानयोग अदालत वालों मजीठिया के केस च होर इस तरह की अपडेट लिए बने रहो चग TV।